भेड़ों के बीच में वो शेर का छोटा सा बच्चा आ गया, तो वो मिमियाने लगा, मैं कर रहा। तो इतने एक शेर आया तो सब भेड़ भाग गया, तो ये छोटा सा शेर का बच्चा भी वहीं रह गया। उसको देखा, अरे ये तो मेरा सकल सूरत का है, मेरा वंशज का, ये कहाँ है, फालतू लोगों के जंगल जंगल में आ गए। तो आप समझ लीजिएगा, अपने आप को आकलन करिएगा, आप आज बैठ के लिखिएगा, मैं उन भेड़ों के बीच में हूं या शेर की संगति में हूं। मैं एक बन करके शेर के समान दहाड़ सकता हूं या भेड़ और बकरियों जैसे, जहां उनकी इच्छा गड्ढे में गिर रहे हैं तो सब गड्ढे में गिर जा रहे, मैं वो हूं। थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा, ये छोटी छोटी कहानियों से यही मतलब। तो फिर वो शेर उसको ले जाता है, अरे नालायक आदमी, तुम कहां अपनी जिंदगी, तुम क्या हो और तुम कहां हो, चलो तुमको दिखाता हूं। जैसे वो शेर का बच्चा नदी के अंदर में अपना चेहरा देखता है, तो उसके मुंह से अनायास गर्जन निकलते हैं। वो बड़ा शेर जो उधर दिखाता है वो भी भाग जाता है, बावरे क्या गर्जन है, अंदर में एकदम आपका विस्फोट भरा हुआ। लेकिन बाहर ये जो संगति, खराब संगतियों का कारण, 10 बार सोचिएगा, अपने बच्चों को तुम भेड़ के झुंड में भेज रहे हो या शेर के समान जीना सिखाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक बच्चा ही काफी है, एक लड़का। जब भगत सिंह की माँ बोलती है, मेरे पास हजारों भगत सिंह होते तब भी मैं फांसी में रहती, एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर कैसे क्या हुआ, ये शेर बन गया इसलिए खुशी की बात नहीं है, शेर बन गया इसलिए नहीं, उसने सोचा मैं एक विचार, एकदम फालतू सा विचार कि मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, क्योंकि संगति में सब लोग तुमको व्हाट्सअप करो, फेसबुक करो, ये कर, तो हम भेड़ बन गए, झुंडों के समान जा रहे हो, गुड मॉर्निंग ठप्पा मारते, मैं वो हूं, या एक कलम उठा करके 2 अक्षर लिखो और एक कविता बनाओ, एक करो और उसको सुनाओ, उसको मैं शेर बोलता हूँ। शेर ये नहीं है कि ठप्पा लगा के अच्छा दे दिनो, दिस इज। तो वो भेड़ बोलता है कि जब विचारों का आदान प्रदान हुआ, एक विचार मेरा बिल्कुल डरपोक बनाया था, जिंदगी भर बोला अरे कोई शेर का या कोई बिल्ली का भी आवाज तो भागो, और एक साथ भागो ताकि बचोगे, नहीं तो मरोगे। मेरे जिंदगी भर मैं भेड़ बन के रहा, तो मुझे यही सिखाएगा, बेटा बाहर नहीं निकलना, बहुत परेशानी हो जाएगी तुमको, ये नहीं होगा, घर में रहना, तुम नहीं समझते हो, समाज खराब है, ये मुझे भेड़ बनाया। या एक माँ शिवाजी के समान बनाया कि अरे निडर हो करके लड़ो, कुछ नहीं होता। तो शेर तो बोलता है कि मेरे सिर्फ विचारों का फर्क, बारीकी से समझिए इस चीज को, उस कहानी का सिर्फ सार क्या है, विचार। पहला विचार था मैं डरपोक हूं, बेवकूफ, मैं सबका फॉलो करता हूं, मैं भेड़ हूं। अचानक एक विचार आएगा, नो, तुम शेर हो। उस विचारों के कारण उसको श्रद्धा मिली, ना कि वो शेर बन गया इसलिए। इसको थोड़ा सा बारीकी विश्लेषण, तो मुझे कोई विचार देने वाला है, सीधी बात है, उसको आप थोड़ा सा ढूंढो। जैसे मैंने आपको हाथी का बताया, एक विचार, उसमें भी आप देखो कीचड़ में फंस गया, अब वो बूढ़ा शेर निकल नहीं पा रहा, तो राजा ने बोला इसको, आप मंत्री को बोला, मंत्री ने क्या किया, ओ नगाड़े बगाड़े लेके आ गए, युद्ध के समान वातावरण बना दो। सब लोग सोचने लगे, मंत्री को दिमाग खराब हो गया, अरे इधर हाथी फंसा हुआ है और ये बोलता नगाड़े बगाड़े, खुशी की बात कर रहा। लेकिन मंत्री सलाहकार है, इसलिए तो मंत्री है, तो उसने सलाह कर दिया, बोला रे मैं जो बोलता हूं उसको करो। एक विचार के परिवर्तन से आदमी में कितनी शक्ति आती है, मैंने यही बोला, इसको समझिए। तो जैसे उन्होंने नगाड़ा बगाड़ा, ड्रम वम बजाने लगा, तो अचानक जो अभी तक मुसीबतों के जंजालों में, जिंदगी में मेरे चारों ओर पैसा नहीं, व्यापार नहीं, ये नहीं है, वो लड़की बात नहीं सुनता, वो लड़का सुनता, इन मुसीबतों के बीच में तुम बैठे हो, तुम नीचे बैठ गए हो कीचड़ के अंदर, तो वो कीचड़ है तेरे मुसीबत है, इतना समझ लीजिएगा। या तुमको कोई ऐसी आदमी या ऐसी संगति में हो जहां तुमको हमेशा हर दिन कोई विचार मिलता है, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। इधर मिलना क्या है, कुछ नहीं मिलना, वो टाइम वेस्ट करना, कई लोग टाइम वेस्ट समझते, लेकिन एक विचार मिलता है वो आशीर्वाद, समझ लीजिएगा। तो जैसे ही उसके दिमाग में नगाड़े बिगाड़े बना, तो उसका विचार में परिवर्तन आया। वो हाथी सोचने लगा, अरे मैं यंग, मैं क्या, मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं तो यंग हूं। वो युद्ध की कल्पना, विचारों को बदल दिया, विचार में आया, वो अपने युद्ध हो रहा है, मैं बताता हूं सामने दुश्मन को, जैसे उस समय बताता था उसने। अब वो मुसीबतों कीचड़ को नहीं देख रहा, बोलता अरे छोड़ो, अब मैं युद्ध करता हूं, ऐ
अंग्रेजी करके निकल गया। जिस साथी को निकालने के लिए पूरा दुनिया परेशान थी, उसने अपना विचार बदलने के कारण छोटी सी विचार हाथी के दिमाग में उठ के बाहर कर दिया। वो श्रद्धा करता है उस विचार को, फिर समझ लीजिएगा अचानक ताकत आ गया है हाथी का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस विचार में कितना दम है। एक छोटा सा विचार बहुत बड़ी चीज है। ओ फिर शेर जैसे दहाड़ता है, ये भी चिंगारता ओम करके एकदम फिर बाहर निकलता है। लोग देख के दंग रह जाते हैं, अरे अद्भुत बात, अभी तक इसको कितने क्रेन उठाने की कोशिश किए नहीं उठा। उसी प्रकार थोड़ा सा सोचिए, हम भी जब मुसीबतों में पड़ जाते हैं ना, मैं कीचड़ को देखता हूँ वही मुसीबतों को देखता है, ये भगवान ये किया तो क्यों है, उसने मेरे साथ ऐसी जाति क्यों किया, अरे मेरे ऊपर भी क्यों किया, मैं क्या हो गया। वो जो कीचड़ को हटाइए, एक विचार चेंज करिए, मैं अपना पुराने दिनों में कितने मुसीबतें आए कुछ आया, मैं अब मैं केयर नहीं करूंगी, मैं उठ के जाऊंगी। जिस दिन तुमने उठकर खड़ा दिया वही तुम्हारा एक विचार इंस्पायर करता है। सब अपने जिंदगी में अपना अजमाइएगा, मैं भी अजमाता हूँ, कभी कभी फंस जाते हैं हम कीचड़ में चारों ओर से, बाप रे पैसा भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी, ऐसी भी हालत हमने देखा, देखते साथ हमारे दिमाग में था क्या मैं इस कीचड़ में बैठूं जिंदगी भर, और जिसको मैं पूछता हूँ वो बोलता और कीचड़ डाल लो, और कीचड़ डालो, ऐसी होता ही है, क्या करें, भगवान जो जो कर रहा है, ये किस्मत हम लोग की नहीं है बेटा, तुम तो जिंदगी भर ऐसी कीचड़ में बैठना बेटा, मैं भी जिंदगी भर ऐसी बैठी थी, माँ भी ऐसी बताती, तो तुम किस वातावरण में रहते, भूल जाइए अपने माँ बाप वगैरह को। आप सोचे कि मैं एक पेरेंट हो गया, मैं माँ बाप हूँ, जो गलतियां मेरे माँ बाप ने किया जिंदगी में, बोला कि बेटा बाहर नहीं निकलना, बाहर बहुत दुष्ट लोग भरे, ये बोलते हैं या अरे सामना करने का ही जिंदगी का नाम है, उठो खड़े हो जाओ, तो अपने बच्चों को कैसे निडर बना रहे हो, डरपोक बना रहे हो, आपके हाथ में बात कर ले। तो वही छोटा सा, पता नहीं लगता कई लोगों को इतने ताकतवर रहते हैं, एक मुर्गी के बच्चे के साथ में एक चील जो पक्षियों का राजा है उसका बच्चे का अंडा रख दिया, तो जब बड़ी होने लगी तो वो चूजों के साथ में, सब चूजे एक जैसे दिखते हैं, देखते हैं ऐसे चले जा रहे हैं, इतने में देखिए है कि उसकी माँ जो है मदर माता माता राम जो मुर्गी है उसके साथ घूम रहे, तो वो चले जा रहे, तो ऊपर में देखा कि एक पावरफुल गिद्ध आकाश में चील उड़ रहा, चील उड़ते साथ एक छोटा सा जो चील का बच्चा है उसको नहीं मालूम था, वो सोच रहा मैं मुर्गी हूँ, क्योंकि तुम उस वातावरण में पैदा हुए। हम जितना धर्म वर्म सब बोलते हैं ना, अरे आप कभी कभी सोच लो, धर्म को ऐसी पालन करना ही नहीं, धर्म मतलब धारण है, मैं क्या बन रहा हूँ इससे, ये जो पुस्तक में लिखा है, मेरे को ये बोल दिया ये करो वो करो, उसी को मैं पाठन कर, तो कुछ मैं भी अपना बारे में सोचूं, इससे हटके भी चले जाऊं, परंपरा से हट करके भी कभी कभी एक्शन लेना चाहिए, वही तुम्हारा धर्म हो गया बाद में, फिर तुम्हारा अनुसरण करने लगे तो वही धर्म हो गया, सीधी बात है। एकदम लकीर का फकीर जो लिखा है, इसीलिए पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, क्योंकि किसी ने लिख दिया ये ब्रह्म वाक्य, भगवान ने जो वाक्य दिया उसको मॉडिफाई करके राइटर्स आ गए, अपने अपने मन से जोड़ते 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 एकदम क्रूर टाइप का वातावरण दे दिया है, और उसको हमने धर्म पुस्तक समझ के जो बोलते हैं वो कर देते हैं। नो, ऐसी नहीं है, थोड़ा सा सोचिए भी, अगर धर्म में अच्छा लिखा है तो उसको सोचिए बैठ करके, वेदर इट इज एप्लीकेबल फॉर मी आर नॉट, मेरे लिए होता है कि नहीं, बस यही है जिंदगी। तो वो छोटा सा बच्चा बोलता है अरे इतना पावरफुल चील, ओहो मम्मी, मतलब मम्मी मतलब उसका मुर्गी के बच्चे को, मैं भी ऐसी बलशाली बनूंगी, ऊपर में उड़ रहा है एकदम स्वच्छंद। तो मुर्गी क्या बोलती है, वही माँ बाप का क्या बोला होता है, अरे चुप बैठो, तुम ऊपर ऊंची ऊंची ख्याल मत कर, तुम आईएएस ऑफिसर, तुम तो गणित नहीं आता, तुम क्या आईएएस बनोगे, इस तरह से बोलते हैं। तो सेम वही मुर्गी भी यही बोला, अरे चुप, तुम ऊपर ऊंचे ऊंचे ख्याल देखते रहते, क्या ख्याल देखते रहते, वो है चील पक्षियों का राजा, और तू मुर्गी का बच्चा है, जिंदगी भर जमीन में पड़ा हुआ छोटे छोटे कीड़े खाने वाला, तू वैसी जिंदा है वैसी मर जाएगी, तुम ऊपर ख्याल मत कर। ये कौन बोल रही, मुर्गी बोल, कहीं हम तो वो मुर्गी तो नहीं है जो अपने बच्चों को ऐसी डरा डरा के रखे हैं, पक्षी जैसे उड़ने का मौका दे, जबकि वो चील का बच्चा था, चील का बच्चा था, लेकिन उसको मैंने एक विचार क्या दिया था, तू मुर्गी का बच्चा है, तू मुर्गी का बच्चा, तू मुर्गी का बच्चा हो। एक छोटा सा विचार सोचिएगा, एक बुढ़िया चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में मैंने कई बार बताया, उसने क्या कहा कि मेरा बच्चे ने गलती किया है,
वो जब भी खिचड़ी खाते हैं तो उसका प्रोटोकॉल है, चारों ओर जो फैला हुआ है किनारा उससे खाते हैं, कोई बीच में जाकर के अगर हाथ डाले तो उसका हाथ जल जाएगा। इस लड़के ने बेवकूफी किया, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने भी वही बेवकूफी किया। ये किसको बोल रही है? चंद्रगुप्त और चाणक्य को बुढ़िया बोलती है। बुढ़िया क्या, ऑर्डिनरी चीज है, कुछ भी नहीं था। चंद्रगुप्त और चाणक्य को समझ में आ गया, अरे बाबरी, हमने राजधानी पे अटैक किया था, हमको किनारे से लड़ना था, फिर से उन्होंने वो खाना वही छोड़ दिया। एक विचार मिल गया, अद्भुत विचार, हो भगवान, हम सोचते थे कि हमारे जैसे विचारक कोई नहीं, लेकिन एक ऑर्डिनरी बुढ़िया ने दे दिया कि बीच में हमला मत करना, किनारे से हमला करो। फिर से चंद्रगुप्त और चाणक्य अपने सैनिकों को कहकर नंदवंश को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट बन गया। एक विचार, एक विचार इंपॉर्टेंट।